जिस क्रम में चल रहे आईजी भवन के निर्माण कार्य का विरोध तूल पकड़ता जा रहा है। प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री कार्यालय के आदेशों पर भी 12 दिन बाद कोई कार्यवाही नहीं की। सरकार के इस रवैये से आहत धर्मशाला वासी इस निर्माण कार्य के खिलाफ अब खुलकर सामने आने का मन बना चुके हैं। इसी के चलते आज धर्मशाला के लोगों ने पुलिस ग्राउंड में एकत्रित होकर इस निर्माण कार्य के विरोध में सांकेतिक प्रदर्शन किया। स्मार्ट सिटी धर्मशाला में पुलिस मैदान की इंक्रोचमेंट कर आईजी भवन का निर्माण किया जा रहा है। अगर समय रहते इस भवन निर्माण कार्य को रोका नहीं गया तो धर्मशाला में भी जंजाली जैसे हालात उत्पन्न हो सकते हैं। आज इस भवन के निर्माण कार्य को बंद करवाने के लिए धर्मशाला के शहरवासी पुलिस ग्राउंड में एकत्रित हुए और भवन निर्माण की जगह पर मोमबत्तियां जलाकर अपना रोष प्रकट किया। इस बारे में शहर के लोगों का कहना है कि इस मैदान के साथ जन भावनाएं जुड़ी हुई हैं और पुलिस अपनी तानाशाही दिखाकर जबरदस्ती भवन निर्माण करवा रही है। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि धर्मशाला में भी जंजाली जैसे हालात उत्पन्न हो। उन्होंने कहा कि धर्मशाला में आईजी भवन का निर्माण कहीं दूसरी जगह होना चाहिए। आईजी भवन निर्माण के लिए मैदान में पूर्व से बने बास्केटबॉल के कोर्ट को उखाड़ा गया है। लोगों का कहना है कि पुलिस मैदान को खत्म करने में लगी हुई है और आने वाले समय में खिलाड़ियों को खेलने की जगह भी नहीं मिलेगी। हमारा ये प्रदर्शन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है पुलिस डिपार्टमेंट के सारे इस पुलिस ग्राउंड की सारी शोभा को खराब कर दिया है और ये सारा स्पेस जो है सारा श्रिंक कर गया है। हमारा ये कहना है कि मिनी सेक्रेटेरिएट बना, इतना भारी पैसा सरकार ने खर्च किया है। एसपी विजिलेंस का ऑफिस वहाँ है, जब एसपी का ऑफिस जल गया था तो वहाँ एसपी का ऑफिस नया बना है, बड़ी स्प्रॉलिंग बिल्डिंग है, तो इस आईजी के ऑफिस को यहाँ रखने का क्या औचित्य क्या है? तो हमारा ये है कि इसको यहाँ से सारे ऑफिस को शिफ्ट किया जाए और ये ग्राउंड जो है यहाँ लोग आके देखते थे और सारा श्रिंक करके साइड लोगों को बिल्कुल एक तरह का कर्फ्यू वजह हुआ माहौल है, लोगों को ग्राउंड में जाने नहीं दिया जाता। अभी कभी सोमवार को सवेरे आइए जब इनकी रस्मी परेड होती है तो लोगों को ग्राउंड में एंटर नहीं किया जाता। और एक एसपी तो ऐसे थे कि AK-47 लेके यहाँ जवान खड़े होते थे कि शायद हम टेररिस्ट हैं। तो हमारा कहना है कि बुजुर्ग लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, महिलाएं आती हैं और हर तबके के लोग आते हैं और ऐसा ग्राउंड था कि सब जगह से इजीली एक्सेसिबल है। को पुलिस के हाथ से निकाला जाए, पुलिस ग्राउंड को ऐसी एजेंसी को दिया जाए, स्पोर्ट्स की एजेंसी को, जो ट्रांसपेरेंट हो, जहाँ अकाउंटेबिलिटी हो, कमर्शियल पर्पज के लिए ग्राउंड यूज हो रहा है और उसका क्या अकाउंट है, कौन उसका खाता रखता है, क्या पब्लिक में आरटीआई एक्ट आया, क्या कभी इन्होंने दर्शाया साल में कि कितने पैसे इनको मिले, कितना इन्होंने यूटिलाइज किया, कितना इन्होंने ग्राउंड की खूबसूरती के लिए खर्च किया, वो सारी चीजें जो है इसके बारे में, इस ग्राउंड की जो स्वायत्तता है वो क्रिकेट पुलिस प्रशासन से लेके किसी स्वायत्त संस्था के हाथ में दी जाए। ये हमारी ये गवर्नमेंट से और ये पुलिस डिपार्टमेंट से हाथ जोड़कर बेनती है कि भाई इसको बंद करो, बड़ी जगह आपके पास कहीं और कर लो और ये जो है इसका एक्सटेंशन जो होनी है कुछ ग्राउंड की, इसके एक्सटेंशन को मत रोको। अगर यहाँ पर बिल्डिंगें बन जाएंगी तो ये कैसे एक्सटेंड कराएंगे इसको? जो हमारा था 4000 स्क्वेयर मीटर जो था वो सारा कोई 3000 के करीब रह गया है, तो ऐसे ऐसे करते करते बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। इस करके हमारी जो मतलब रिक्वेस्ट है, हम क्यों बुजुर्ग लोग यहाँ पर धक्के खा रहे हैं, इसीलिए खा रहे हैं कि भाई ये जो हमारे एक ही ग्राउंड है, प्लीज इसको बचाइए, हाथ जोड़ के बेनती है इसको बचाओ। नहीं बचाओगे तो देखो पब्लिक की आवाज है, ये कहीं व्यर्थ नहीं जाएगी, ऐसा ना हो कि कहीं ज्यादा एक्शन लेना पड़े। हालांकि उत्तक भवन निर्माण के कार्य को बंद करने का आदेश मुख्यमंत्री ने भी दिया था लेकिन वह मौखिक रहा और लिखित में कुछ नहीं किया गया। शहर के वरिष्ठ नागरिकों ने इस भवन के निर्माण कार्य को बंद करवाने और पुलिस मैदान को बचाने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा था और इसका जवाब प्रधानमंत्री ने दिया है, जिसमें प्रधानमंत्री ने मुख्य सचिव हिमाचल सरकार को निर्देश दिए हैं कि इस मामले की जाँच कर पूरी स्थिति स्पष्ट कर पीएमओ की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाए। शहर के लोगों ने चेताया है कि एक दो दिन के भीतर अगर निर्माण कार्य बंद नहीं किया गया तो यहां की जनता धरना प्रदर्शन करने से भी गुरेज नहीं करेगी और अगर हालात बिगड़ते हैं तो उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और सरकार की होगी। काफी समय से हम वरिष्ठ नागरिक जो थे वो विभिन्न माध्यमों से गवर्नर जी के या मुख्यमंत्री जी के माध्यम से या हमारी माननीय सविन चौधरी जी जो मंत्री हैं उनके माध्यम से हमने ये आवाज़ उठाई है कि जो आईजी भवन जो पुलिस ग्राउंड में बास्केटबॉल ग्राउंड को उखाड़ करके बन रहा है, इस भवन के निर्माण को रोका जाए।
लेकिन दो तीन बार मुख्यमंत्री महोदय से मिलने के उपरांत जब हमें कोई रिप्लाई नहीं मिली ठीक से और ये कार्य नहीं रुका, तो मुझे वरिष्ठ नागरिक फॉर्म जो है उसने अधिकृत किया कि मैं जो पीएमओ को पत्र लिखूं, तो मैंने अपने नाम से ये पत्र लिखा और उस पत्र की प्रति भी मेरे पास अभी उपलब्ध है, जो कि पीएमओ ऑफिस से चीफ सेक्रेटरी साहब को आई है कि वो इस पर जो जैसी कार्रवाई संभव है वो करें और उसका मुझे भी उत्तर दें, तथा वो उसकी एक पोर्टल में भी प्रति डालें। सर धन्यवाद। एक धर्मशाला बचाओ मंच का गठन भी कुछ टाइम पहले हुआ था, वो अभी कहीं दिखाई नहीं देते इस मुद्दे को लेकर। नहीं, इस मुद्दे के लिए जो मंच है वो हर तरीके से जुड़ा हुआ है और सीनियर सिटीजन, जन चेतना और पेंशनर्स का भी पिछले कल आपने पेपर्स में पढ़ा होगा, वो लोग भी, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस की है और व्यापार मंडल, हर कोई जो है वो इस मुद्दे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये मुद्दा किसी पार्टी का या किसी व्यक्ति का नहीं है, ये मुद्दा धर्मशाला के बचाने का है, क्योंकि धर्मशाला स्मार्ट सिटी बना हुआ है और स्मार्ट सिटी में अगर खेल के मैदान नहीं होंगे और आपदा के समय अगर कोई ऐसे स्थान उपलब्ध नहीं होंगे कि जहां से बाहर से फॉरेन से एजेंसीज आके लोगों को समय पे राहत पहुंचा सकें, तो मैं समझता हूं कि ऐसा मतलब जो ग्राउंड वगैरह जो है इस पे इस तरह के अगर बिल्डिंग्स बन गई तो ग्राउंड का नाश हो जाएगा और आपदा के समय कोई भी हमारे पास स्थान नहीं रहेगा। धन्यवाद। जुड़ी है वहां पे सरकार से, हमारा निवेदन है कि जो एग्जिस्टिंग चीज है, जो ग्राउंड है, उस ग्राउंड को बचाया जाए, लेकिन जो चीज आप क्रिएट करने जा रहे हैं उसको अभी आप रोक सकते हैं, उसको आप कहीं भी, हम ये चाहते हैं कि इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई हो, लोगों की जनभावनाएं ना भड़के, ऐसा सरकार को सही समय पे उचित निर्णय लेना चाहिए। इस बारे में एडीएम धर्मशाला ने कहा कि इस मामले को लेकर सरकार को अवगत करवाया जाएगा और जल्द ही इस मामले का समाधान निकाला जाएगा। मीडिया के माध्यम से ही जैसे कि जानकारी हमें मिली थी कि सरकार की तरफ से मौखिक आदेश तो इस काम को रोकने के लिए हो गए थे, लेकिन अभी धरातल स्तर पे इस तरह के आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं। यही कह सकता हूँ कि हम दोबारा से सरकार को लिखेंगे कि इस मामले पे शीघ्र उचित मार्गदर्शन आदेश देने की कृपा करें। इंस्ट्रक्शन जारी है तो ऐसा ना हो लेटर पड़ जाए, उसके बाद पब्लिक मनी भी वेस्ट हो और भवन भी गिराना पड़े। कोई टिप्पणी तो मैं कर नहीं सकता, लेकिन हम जल्दी से, डीसी साहब भी अभी आजकल बाहर हैं, तो जैसे ही आएंगे हम इस पे सरकार की नोटिस में तुरंत आदेश प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। सर एक पीएमओ ऑफिस से जो है वो इस संदर्भ में मुख्य सचिव को भी डायरेक्शन दी गई है कि इसका स्टेटस अपलोड किया जाए, क्या एक्शन इस पे लिया जा रहा है और उसको पीएमओ साइट पर अपलोड किया जाए, तो इस बारे में क्या कहेंगे सर? अभी मेरे पास इस तरह की सूचना कोई नहीं है।